अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पकौड़ा। इन सब चीज़ों इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है प्याज, लहसुन और पेस्ट, पालक, बेसन और ये सूखे मसाले जिसमें है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, चाट मसाला और अदरक का पाउडर। और सबसे पहले हम बेसन में डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, 1 टीस्पून लहसुन डालेंगे और हमने जो ये प्याज बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक सी चॉप करके रखी थी हम वो डाल देंगे। फिर इसके साथ हम लोग डालेंगे हमारे सारे मसाले, नमक, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्च, चाट मसाला, अदरक का पाउडर, अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप लोग। ये सब डाल के हम अच्छी तरह से पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। पहले सूखे मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। पालक पकौड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें ज़्यादा डलती हैं, जैसे हम मसाले नॉर्मल डालते हैं पकौड़े के। हम पानी डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर जब यह पेस्ट बन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर पालक डाल देंगे। आप देख रहे हैं हमारा पेस्ट कितना अच्छा बन चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा। मीठा सोडा भी हमने 1 चुटकी इसमें डाला था। ज़रा सा तेल गरम करके इसके अंदर हम इसको चमचे से डालेंगे। अगर आपका एकदम गाढ़ा है तो आप उसको हाथ से भी डाल सकते हैं।